पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्ला। शब जुल्मत में गुजारी है, उठ वक्ते बेदारी है, जंग शुजात जारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उठ वक्ते बेदारी है, जंग शुजात जारी है, आतिश आहन से लड़ जा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्ला। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्ला। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्ला। छोड़ ताल्लुक दारी छोड़, उठ महमूद बुतों को तोड़, जाग अल्लाह से रिश्ता जोड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उठ महमूद बुतों को तोड़, जाग अल्लाह से रिश्ता जोड़, गैरुल्ला का नाम मिटा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्ला। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्ला। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्ला। नगमों का एजाज यही, नाराय सोजो साज यही, वक्त की है आवाज यही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाराय सोजो साज यही, वक्त की है आवाज ही, उठ सारी दुनिया को बता। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल व करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर हजरत हाफिज प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर साहब की हमराही के अंदर रावी रोड से लारेंस रोड के ऊपर पहुंचा। हजरत साजिद मीर ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अल्लाह के फजल व करम से इससे काम पाकिस्तान का रास्ता वही रास्ता है जो हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का रास्ता है, हजरत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी का रास्ता है, सैयद मोहम्मद दाऊद रजवी का रास्ता है, अल्लामा शहीद का रास्ता है, हबीबुर रहमान का रास्ता है। और वो रास्ता ये है कि पाकिस्तान की फिदाओं के अंदर जब तक हम जिंदा रहेंगे, किताब सुन्नत के झंडे लहराते रहेंगे। हजरत ग्रामी कदर, लॉरेंस रोड के इस मिंबर से मैं हजरत साजिद मीर और मरकजी जमीयत अहले हदीस के कायदीन की तर्जमानी करते हुए ये बात कह देना चाहता हूँ। हजरत साजिद मीर ने कलमाए तैयबा के बाद इंसाफ की बात की है और मैं उसी इंसाफ के हिस्से को वादे कर देना चाहता हूँ। इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी मुल्क का दिफा करना है, मुल्क की सरहदों को महफूज बनाना है, बैरूनी जलगार का मुकाबला करना है, लेकिन फिक्रे जहीर भी यही है और हजरत साजिद मीर का नारा भी यही है। इस मुल्क पे हुक्मरानी का हक अगर किसी को हासिल है तो तुमको हासिल है, अवाम को हासिल है और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को पढ़ने और पढ़ाने वालों को हासिल है। एक वादा था अल्लाह के साथ कि हम इस मुल्क में, तू अगर हमें ये मुल्क अता करे तो हम इस मुल्क में तेरा दिया हुआ, तेरा भेजा हुआ, अपने आखिरी रसूल की मार्फत भेजा हुआ, उनके जरिए भेजा हुआ निजाम हम नाफिज करेंगे। हमने उस वादे पर अमल नहीं किया और उसकी वजह से हमें ये अदम इस्तेकाम के मुख्तलिफ नजारे और मजाहिर देखने पड़े। आज की ये रैली उसकी एक अलामती हैसियत भी है। ये रैली रावी रोड से चली और लॉरेंस रोड पे आके रुकी। इस तरह इस सिंबॉलिक अमल ने, इस सिंबॉलिक रैली ने, इस अलामती अमल ने उन लोगों पर जो जमात के दुश्मन हैं, जो हमारे इत्तेहाद के लिए, इत्तेहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, यकजहती के खिलाफ, जमाती यकजहती के दुश्मन हैं, जो उनके लिए ये पैगाम है कि रावी रोड और लॉरेंस रोड एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे।